हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आप सभी का अपने चैनल स्टिच होम में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं रैप प्लाजो विथ टॉप का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसमें टॉप प्लाजो के फ्रंट पार्ट से अटैच होगा और बैक पार्ट से अलग होगा। टॉप के बैक पार्ट को इलास्टिकेटेड बनाया है, जो कि पहनने के बाद काफी कम्फर्टेबल होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें, और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसमें 2 मीटर ब्लैक और 1.5 मीटर सफ़ेद फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो सेम कलर का फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कपड़े को ओपन करेंगे और इसे डबल लेयर में सेट कर लेंगे। अब इसे एक बार और फोल्ड देकर इसे 4 लेयर में सेट कर लेंगे। 4 फोल्ड में इसकी चौड़ाई वेस्ट राउंड का हाफ लें और उसमें 6 इंच ऐड करके रखें। जैसे यहाँ पर वेस्ट राउंड 32 है, तो उसका हाफ 16 हुआ और उसमें 6 इंच ऐड किया तो 22 हुआ। तो मैंने इसकी चौड़ाई 22 इंच रखी है। अब यहाँ से कट कर लेंगे और साइड में बचे हुए फैब्रिक से बाद में टॉप का कटिंग करेंगे। यहाँ पर रैप प्लाजो का टोटल लेंथ 39 इंच होगा, तो नीचे कपड़ा थोड़ा कम है, तो यहाँ पर मैं अभी पेपर अटैच कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पेपर अटैच कर लिया है। अब प्लाजो का टोटल लेंथ में 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे। जैसे 39 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 40 इंच होगा। यहाँ पर टोटल लेंथ 40 इंच पर मार्क करेंगे। अब कपड़े के बंद भाग के साइड पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। क्रॉच लेंथ के लिए मैंने यहाँ पर 12 इंच पर मार्क किया है। अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग क्रॉच लेंथ कितना लेना है, उसका फॉर्मूला स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब इन पॉइंट्स पर लाइन बना लेंगे और क्रॉच पार्ट का शेप इस प्रकार दें। और इस साइड पर 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ नीचे 4 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ तिरछे में मिलाते हुए साइड शेप देंगे। अब रैप प्लाजो का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे इस प्रकार कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इस पेपर के अकॉर्डिंग 4 लेयर फैब्रिक कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 4 लेयर फैब्रिक सफेद फैब्रिक में कट कर लिया है। आप चाहें तो सेम कलर का फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर में जो बंद भाग है, इसे कट करके सेपरेट कर लेंगे। अब इसे एक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और सफेद फैब्रिक को भी एक पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। अब नीचे यहाँ दोनों पार्ट को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करके लेंथ में ज्वाइन कर लेंगे, और सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। अब टॉप का ड्राफ्टिंग करेंगे, सो इसके लिए चार्ट पेपर को 1 फोल्ड देकर डबल लेयर में सेट कर लेंगे। और टॉप का लेंथ 18 इंच होगा, उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करेंगे और चौड़ाई में चेस्ट राउंड का 1/4 भाग लेकर और उसमें 2 इंच ऐड करके रखें। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेकर मार्क करेंगे। आपका जो भी शोल्डर हो उसका हाफ लेकर मार्क करेंगे और सेम मार्किंग इस साइड भी कर लेंगे। अब इस लाइन से ऊपर की ओर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्किंग पॉइंट से आगे की ओर शोल्डर का हाफ और उसमें 1 इंच कम करके मार्क करेंगे। इस साइड से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस 4.5 इंच होना चाहिए। यहाँ पर चेस्ट राउंड में 3 इंच लूजिंग लेकर उसका 1/4 भाग करके मार्क करें और 1.5 इंच रखें मार्जिन के लिए, और वेस्ट राउंड पर वेस्ट राउंड का 1/4 भाग लेकर मार्क करें और 1.5 इंच रखें स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आर्म होल का शेप दें और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लें। यहाँ 3.5 इंच पर मार्क कर लें। बाद में इस पॉइंट से शोल्डर पर बेल्ट अटैच करेंगे। इसका कटिंग इस प्रकार करेंगे। अब इसे सेंटर से कट कर लेंगे और दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। अब इसके नीचे वाले पार्ट से फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे और इस पार्ट पर बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। सो यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। बैक पार्ट का कटिंग इस प्रकार कर लेंगे। इस पार्ट का इस्तेमाल हम बैक पार्ट के लिए करेंगे और इस पार्ट का इस्तेमाल हम फ्रंट पार्ट के लिए करेंगे। इस पार्ट को रखकर कपड़े पे मार्क करेंगे। बैक पार्ट को इलास्टिकेटेड बनाएंगे, सो कपड़े पर हम एक्स्ट्रा लेकर मार्क करेंगे। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट का मार्किंग डबल लेयर फैब्रिक पर कर लिया है। बैक पार्ट इलास्टिकेटेड बनाएंगे, सो चेस्ट पॉइंट से आगे की ओर 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और यहाँ मैंने लाइनिंग के लिए एक अलग से फैब्रिक इसी के अकॉर्डिंग कट किया है। अब स्टिचिंग करेंगे। यहाँ मैंने दोनों फैब्रिक को लेंथ में ज्वाइन कर लिया है। अब इसे एक पार्ट को सेपरेट करेंगे और दूसरे पार्ट को राइट साइड ऊपर रखते हुए ओपन करके रखेंगे। अब इसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी राइट साइड फेस करता हुआ रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद क्रॉच पार्ट से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर यहाँ पर मैंने इसका सिलाई कम्प्लीट कर लिया है। अब ऊपर का दोनों पार्ट इस तरह से पकड़ कर इसे इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर यह सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से दोनों साइड 6 इंच पर मार्क कर लेंगे डर्ट के लिए, और डर्ट का लेंथ हम 4 इंच रखेंगे। सो यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इस पॉइंट से दोनों साइड 1 इंच का डिस्टेंस लेकर मार्क करेंगे।
उसके बाद डर्ट का सेप इस प्रकार देंगे और सेम मार्किंग इस साइड भी कर लेंगे और सेम डर्ट का मार्किंग पीछे वाले पैनल पर भी कर लेंगे। अब डर्ट को इस प्रकार से पकड़ेंगे और तिरछे में सिलाई करके डर्ट का सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डर्ट का सिलाई कर लिया है और सेम तरीके से दूसरे पार्ट का भी डर्ट का सिलाई कंप्लीट कर लिया है और साइड का सिलाई करेंगे। सो साइड में इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से होते हुए नीचे बॉटम राउंड तक सिलाई करते हुए दूसरे साइड पर डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को सिलाई कर लेंगे और सेम तरीके से इस साइड भी कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए एक साइड से होते हुए दूसरे साइड तक सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने साइड का सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बेस्ट राउंड से टॉप अटैच करेंगे। सो टॉप सिर्फ हम फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे और बैक पार्ट से टॉप को सेपरेट रखेंगे। सो यहाँ पर मैं एक पैनल पर फ्रंट और एक पैनल पर बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर लेती हूँ और टॉप अटैच करने से पहले बैक पार्ट पर बेल्ट अटैच करेंगे। सो बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई में स्ट्रिप कट किया है और लंबाई में इसे मैंने 60 इंच रखा है। सो स्ट्रिप का सेंटर पॉइंट बेल्ट का सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए रखकर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसका सिलाई कम्प्लीट कर दिया है। अब बेल्ट के दोनों एंड पर कपड़े को अपोजिट साइड में फोल्ड करते हुए तिरछे में सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तिरछे में सिलाई कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ तिरछे में जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और कॉर्नर पे कट लगाएंगे। उसके बाद दोनों साइड पर फैब्रिक को टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर कर लेंगे और बेल्ट के दोनों कॉर्नर पर अच्छे से शेप देंगे। और अब स्ट्रिप के दूसरे साइड वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके मार्जिन पर रखेंगे और बेल्ट का सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और स्ट्रिप के दोनों साइड भी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बेल्ट मैंने बैक पार्ट से अटैच कर दिया है और फ्रंट पार्ट से टॉप अटैच करने के लिए टॉप को तैयार करेंगे। टॉप का फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे और यहाँ ऊपर में और आर्म होल के साइड पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट का मेन फैब्रिक को राइट साइड ऊपर की ओर रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखकर सेट कर लेंगे और ऊपर और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर कर लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। टॉप का ऊपर का मार्किंग के लिए चौक से एरो देकर मार्क कर लेंगे। अब इस पार्ट पर इलास्टिक अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। इलास्टिक अटैच करने के लिए इलास्टिक लिया है जिसकी चौड़ाई 0.25 इंच है और लंबाई में इसको मैंने चेस्ट राउंड का 1/2 रखा है और यहाँ पर मैं टोटल 5 इलास्टिक अटैच करूंगी। सो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 5 लाइंस बना लेंगे क्योंकि इलास्टिक का चौड़ाई 0.25 इंच है। सो लाइन का बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 0.25 इंच ही होना चाहिए और सेम मार्किंग इधर भी कर लेंगे। अब इस मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेंगे। जितना हमारा लाइन है उस लाइन से होते हुए सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका सिलाई कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ जो होल है इस पार्ट से हम इलास्टिक अटैच करेंगे। सो इलास्टिक अटैच करने से पहले हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे। इसके शोल्डर से इलास्टिक अटैच करेंगे। सो इसके लिए फ्रंट पार्ट पर 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और बैक पार्ट पर 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। शोल्डर से इलास्टिक अटैच करने के लिए यह मैंने स्ट्रिप लिया है और स्ट्रिप की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और स्ट्रिप की लंबाई 22 इंच रखी है और शोल्डर पर इलास्टिक अटैच करने के लिए इलास्टिक को मैंने 1/2 इंच चौड़ाई में लिया है और लंबाई में मैंने इसे 11 इंच रखा है। अब स्ट्रिप एक साइड पर फैब्रिक को 1/2 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और दूसरे साइड पर पिको कर लेंगे। स्ट्रिप को दोनों साइड से सिलाई करने के बाद इसकी चौड़ाई फ्रंट पार्ट के शोल्डर पर इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कम्प्लीट कर दिया है। अब इसे इलास्टिक अटैच कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट से इस मार्किंग के अकॉर्डिंग रखकर सिलाई कर लेंगे और सेम सिलाई हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। यहाँ मैंने स्ट्रिप को फ्रंट पार्ट से ज्वाइन कर लिया है। अब स्ट्रिप के दूसरे एंड को बैक पार्ट के मार्किंग के अनुसार रखकर सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को बैक पार्ट से भी ज्वाइन कर लिया है। अब इस बैक पार्ट पर इलास्टिक अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक इलास्टिक अटैच करके दिखाती हूँ। सो सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को एक सिरे से डालेंगे या दूसरे साइड से इसे बाहर कर लेंगे और दोनों साइड पर पिन अप करके फिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स सेम तरीके से बाकी चारों लाइन पर इलास्टिक अटैच कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी लाइन पर इलास्टिक अटैच कर लिया है और इलास्टिक के दोनों एंड पर सिलाई करके इलास्टिक को फिक्स कर लिया है।
अब फ्रंट पैनल को इसे मिलाते हुए रखेंगे और मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे और सेम तरीके से दूसरे साइड भी मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने दोनों साइड पर सिलाई कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट के बॉटम पार्ट पर हाफ इंच फैब्रिक बच रहा है जिसे कि हम प्लाजो से अटैच करेंगे। अब इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर करेंगे तो प्लाजो से अटैच करने के लिए इसे सेंटर से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट पर मार्क कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए दो बेल्ट अलग से तैयार कर लेंगे। सो इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी या स्ट्रिप लिया है और लंबाई में मैंने इसे 30 इंच लिया है। अब इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर कर लेंगे और सेम साइज में दो बेल्ट तैयार कर लेंगे। आप टॉप को फ्रंट पार्ट से यहाँ पर अटैच करेंगे। सो टॉप का फ्रंट पार्ट का सेंटर पॉइंट और टॉप का सेंटर पॉइंट आपस में मिलाकर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से ज्वाइन कर लेंगे। प्लाजो का साइड का फैब्रिक जो टॉप के बाद बचता है उस पार्ट को भी डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। सो हम टॉप के बाद वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके भी सिलाई कर लेंगे। सो यहाँ मैंने टॉप को फ्रंट पार्ट से अटैच कर लिया है और प्लाजो के दोनों साइड पर भी डबल फोल्ड करके सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट से बेल्ट अटैच करेंगे। सो बेल्ट को लेंगे और बेल्ट को टॉप के साइड में रखकर पहले यहाँ सिलाई कर लेंगे, उसके बाद बेल्ट को टर्न करके प्लाजो के साइड से सिलाई कर लेंगे और सेम तरीके से दूसरे साइड भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। मैंने दोनों साइड पर बेल्ट अटैच कर लिया है। फ्रेंड्स इस तरह से यह ड्रेस बनकर तैयार हो गया है। इसे इस तरह से पहनेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।